हर साल भी बात है, ये बार भी है जो रक्तदान आप कर रहे हो पूरे साल तक मुझे याद है। जदे कदे भी जरूरत रही गैसा पीपाड़ आज वो ये कार्यक्रम रमीना आज सम्मिल को नहीं हो पाया, पर जजत केद भी जोधपुर रमीना ब्लड री जरूरत रही है वो सब और ये पूरी टीम हमेशा खड़ी पड़ी। मारा सौभाग्य रहो कि मेहर भूम सिंह जी दोनों एक क्लास में, हाँ क्लासमेट रियोड़ा साथ है पढ़ियोड़ा DLLB 5 ईयर लॉ कोर्स में, और 2014 में वे छात्र संघ अध्यक्ष बनिया, और बहुत ही कम समय में एक हमारी खास आदत थी कि छोटे से परिचय में आदमी ने खुद रो अपनो बना लेता। वो तो समय बहुत कम है, जब आज के दिन में आते तो लगता है पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर था, वो उन्होंने क्यों कहा कि समय बहुत कम। हर काम को करने के बाद ये कहते थे कि इसको जल्दी करो, समय बहुत कम। आज वे इस संसार में नहीं है तो सब बहुत ज्यादा कमी तो हमारे माता और पिता ने भी हुए, और उन बाद में घर परिवार है जिसको हमारे रिश्तेदार है होती, उस आदमी की आज अगर यहाँ उपस्थिति होती तो शायद तक और भी योगदान मिल पाता। मैं नाम लूँ तो मारा खुदरो गड़ो भरी था, मैं बड़ा इमोशनल आदमी और मैंने उनको बहुत गरीब से देखा है। किसी की जाति धर्म ना देखती हुई सबको 36 कौम के भाई बहनों को साथ में लेकर कैसे चला जा सकता है वो पूज्य भूम सिंह जी से सीखा जा सकता है। कमगणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक, आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। हमारे मैं हूँ ओल्ड कैंपस जसवंत हॉल के अंदर, उन जगह पे हूँ जिठे आज भूम सर राठौड़ जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, स्वर्गीय भूम सर राठौड़, अमर छात्र संघ अध्यक्ष भूम सर राठौड़ वाणी आज 11वीं पुण्यतिथि है। इन उपलक्ष्य में अठे आज ब्लड डोनेशन कैंप रखे गए हैं, कई सारे छात्र नेता आज ठावेला रविंद्र सिंह भाटी वारण आवड़ो तय है। इन अलावा अठे और भी जो अरविंद सिंह भाटी है और भी कई छात्र नेता है वे भी अठे मौजूद रहे वाला। फिलहाल आपने अंदर लेन चालू ला अंदर दिखाऊंगा कि कितना सारा बैड लगा हुआ है, कितना सारा लोग अठे डोनेशन दे रहा है, काफी सारे युवा की संख्या ज्यादा देखने मिल रही है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी वाणा जो है युवा फॉलोअर बहुत ज्यादा है। फिलहाल आओ आपने अंदर चल के दिखाऊं। फिलहाल इन वक्त आप देख सको अमार मैं ओल्ड कैंपस जसवंत हॉल में हूँ, और आज भूम सर राठौड़ जो छात्र संघ अध्यक्ष रहा है पुराना और काफी वर्चस्व रहे वाणो वाणी आज पुण्यतिथि 11वीं, इन उपलक्ष्य में छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह जी भाटी आपके साथ में है। आज रेण पल ने आप अपने हिसाब से याद करो, आज भूम सर याद करो, आप कई भाव निकल रहे कुछ बता सको आज? नहीं बिल्कुल, अगर आज रो स्पेसिफिक अगर दिन याद करो तो पुण्यतिथि कई अपने अजीज आदमी री बहुत करीबी री आनो, एक दुख रो खैर स्थान विशेष बने वीरी, पर वीरी स्मृति में अगर कोई पुण्य रा काम हुए तो वो लागे के लाड़ 11 साल वहाँ परंपरा चलती आ रही। आज 11वीं बार रक्तदान शिविर हो रही है हमारे हरी भूम सिंह जी जब देवलोक है वीर बाद उले हर साल रक्तदान शिविर आयोजन श्री भूम सिंह सेवा केंद्र करवा रही है। मारो सौभाग्य रहो कि मेहर भूम सिंह जी दोनों एक क्लास में, हाँ क्लासमेट रियोड़ा साथ है पढ़ियोड़ा DLLB 5 ईयर लॉ कोर्स में, और 2014 में वे छात्र संघ अध्यक्ष बनिया, और बहुत ही कम समय में एक हमारी खास आदत थी कि छोटे से परिचय में आदमी ने खुद रो अपनो बना लेता, वहाँ वो विशेषता आई, पर प्रभु ने कुछ और मंजूर हो 2-3 महीने रहे अध्यक्ष बनने बाद में कार्यकाल के बाद में देवलोक पधार गया, पर आज भी आसब हमारी कमाई है जो कुमारी पुण्यतिथि के बाद में आई, और 11 सालों लगातार एक परंपरा के रूप में कोई प्रक्रिया कोई चीज कोई रिवाज अगर लगातार होना चाहे तो परंपरा बन जाए, और 11 साल वहाँ परंपरा चल रही है हमारी स्मृति में। हमारा प्रशंसक हमारा अपना लोग रक्तदान शिविर करवा रहे हैं, पुण्य रो काम करवा रहे हैं, और हर साल ब्लड डोनर्स का यूनिट जो नंबर है वो बढ़ते ही जावे, तो मैं आज हमारी पुण्यतिथि अवसर माथे माने याद भी करूँ श्रद्धांजलि भी दूँ, साथ ही साथ जितना भी रक्तदाता है रक्तवीर है वो अपील करूँ कि आज दिन अधिक बढ़ चढ़ रक्तदान करो। आप बहुत करीब ही रहा हुआ है, आप जिन हिसाब से बता रहे हो कि साथ में पढ़ाई लिखाई कर रहा हो तो कुछ बात हो गया जो अपना खास लोग से बस शेयर कर रहा आप, आपने कभी बताओ था कि मैं छात्र से अध्यक्ष बनूंगा तो मैं ये काम करवाऊंगा, बहुत कम समय रहे हो तो 2 महीना ही दिया था, अगर मैं अगर काफी और साल रहे होता तो शायद आज जेएनयू वास्ते बहुत कुछ बदला हो। तो भूम सिंह जी रे बारे में विशेष रूप में मन कोई अध्यक्ष बनने बाद में जो एक बात याद आ रही कि कोई MBM कॉलेज रो प्रदर्शन हो विनर लेर मतलब बहुत बहुत स्ट्रेट ऑनेस्ट आदमी हावे, बहुत कोई लाग लपेट नहीं या शब्दों ने बहुत तालमेल नहीं बोल रहा, जो भावनात्मक है जो शब्द आता जुबान माथे वे बोल देता, तो जब MBM एक प्रदर्शन हो वे प्रदर्शन रे मैंने कुलपति जी रहा मैं खड़ा और कियो कुलपति जी पूछो कि कहीं चाहो थे बच्चे जो चाह रहे मैं वही चाह रहा हूँ,
उसके बाद में वापस वीसी साहब ने पूछा कि भाई मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, तुम जल्दी करो। वापस 10-15 मिनट बहस चली, उसके बाद फिर कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, तुम जल्दी करो। वो जो समय बहुत कम है, जब आज के दिन में आते तो लगता है पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर था, वो उन्होंने क्यों कहा कि समय बहुत कम। हर काम को करने के बाद ये कहते थे कि इसको जल्दी करो, समय बहुत कम। वो कुछ जो चीजें हैं, वो जो शब्द हैं, वो अपने आप में जहन में छप जाते हैं, तो अब लगता है शायद वो शब्द प्रकृति ने उनको कहलवाए होंगे और वो आज हमारे बीच में नहीं है। परंतु निसंदेह वो जिन जिन की स्मृतियों में है, बहुत सुखद स्मृतियों में अपने हृदय में स्थान बनाए हुए बैठे हैं। आज जो कि छात्र संघ अध्यक्ष बना हुआ है, बहुत सारा है, तो आप भी हो, रविंद्र सिंह भाटी है, आपने कही लगे कि कठे न कठे भूमसा एक समर्थन रहे है इन मामले में, कुछ बता सको आप? निसंदेह देखो, अगर आज हमारी लोक पूजा आराधना करे वारो एक थान बनी राजस्थानी भाषा में कहवा तो, और लगातार एक परंपरा, मैं तो उन्हों पहला भी लगातार एक ग्रुप 2012 में रविंद्र सिंह राणावत रिया, 14 में भूम सिंह जी रिया, तो एक टीम में एक ग्रुप रे रूप में मैं तो हमेशा हाथे मिलकर काम करियो, चाहे वीरे बाद में कुणाल सिंह, आनंद सिंह, रविंद्र सिंह भाटिया, वीरे बाद में मैं भी बनी हुई, आगे भी कोई बनी, तो एक बार पारिवारिक परंपरा रे रूप में मैं हमेशा काम करियो, और भूम सिंह जी का आशीर्वाद तो मैं सब माथे रही हूँ हमेशा। फिलहाल इन वक्त मैं जसवंत हॉल में ही हूँ और काफी सारे युवा मौजूद है, क्योंकि युवा छात्र संघ अध्यक्ष भूम सिंह जी राठौड़ वाने आज पुण्यतिथि है, इन उपलक्ष्य में इन जगह पर आज कुणाल सिंह जी भी है, छात्र नेता, यूं बात करा आज रहे इन पल ने, और छात्र राजनीति की अगर बात करूं मैं, ओल्ड कैंपस की अगर बात करो, तो भूम सिंह जी का जो रहे है वर्चस्व और वाने बारे में आप कितना जानो, कुछ बता सको आज के इस मुख्य खास पल पर? आज भूमसरी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे उनको सब मेरे पास में है नहीं तो मार करने को वक्त है कोई ऐडा कोई स्पष्ट को सब भूमसार ने मैं 2008 में जानते जब मैं कक्षा 8 ही होता और आप रेवास भी बिजनेस में तो मारो भी रेवास बिजनेस में वो हमारे सीनियर थे और उनका हमेशा से कह सको कि एक वो हसमुख स्वभाव हसमुख चेहरा ये प्रैक्टिकल थॉट है और ये चीजें किसी को पता नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा से हेल्पिंग नेचर सिद्धांत रहा हुआ उनका और एक समय आते आते उन्होंने अपने जिस जगह पे वो थे जिस गांव से वो आते थे अपने आप में उपलब्धि थी योग्यता थी उन्होंने लोग ओळखता पहचानता जानता राजनीति आज एक काले नहीं है इंसान व्यवहार और चरित्र हमेशा भिड़ो हाल करे और आज वह इस संसार में नहीं है तो सब बहुत ज़्यादा कमी तो हमारे माता और पिता ने भी हुए और उन बाद में घर परिवार है जिसको हमारे रिश्तेदार है होती उस आदमी की आज अगर यहाँ उपस्थिति होती तो शायद तक और भी योगदान मिल पाता। मैं नाम लूँ तो मारो कुद्रो गड़ो भरी था मैं बड़ा इमोशनल आदमी और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। बस ये है कि आज का जो भविष्य है जो रील्स वगैरह इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया माध्यम पता नहीं है समय बीत गया आज आज 11वीं पुण्यतिथि है और आज वो अगर यहाँ होते तो निश्चित रूप से बड़ी अच्छी पोजीशन पे अच्छे पोस्ट पे होते हैं विधायक होते हैं वो तो कमी कमी है क्योंकि एक बड़ा भाई होता है तो हमेशा सहयोग रहता है एक दूसरे के प्रति कि भाई हम छात्र संघ अध्यक्ष बने उसके बाद में हम बड़े छात्र संघ अध्यक्ष जो हमारे से पहले रहे उनसे भी उम्मीद करते हैं भाई हमारा सहयोग करें कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण में कि आज कमी तो महसूस होती है वो कमी हम आज जैसे हर साल रक्तदान शिविर होता है आयोजन होता है तो इस रक्तदान शिविर में उनके छोटे भाई विक्रम सिंह खारा का पूरा योगदान रहता है उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के माध्यम से सभी लोग आते हैं तो ब्लड देने के लिए सभी आए हैं तो उनकी इच्छा से है ना मैंने बुलाया ना किसी ने कोई जोर जबरदस्ती किसी का बिगाड़ा मगर ये उनका खुद का पुण्य था उनसे लोग जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं कि हजारों यूनिट रक्तदान होता है और हर साल की बात ही होता है तो यही है कि आज हम लोग सब मिलके उनको इस दिन के ऊपर हम याद कर सकते हैं और उनकी कमी तो हमेशा से खलेगी वो अलग बात है। को मेरा आशीर्वाद रक्तदान माँ दान है ओम सिंह की तिथि पुण्यतिथि है 11वीं पुण्यतिथि बच्चों ने मिलकर के सब ने मिलकर सभी धर्म लोगों ने रक्तदान का कार्य रखा है बर्सी से बनारस से बढ़कर ये रक्तदान है और रक्तदान इनकी आत्मा अजर अमर है
आपका दिया हुआ रक्तदान काम आएगा पुण्य आत्मा को, देने वालों को आशीर्वाद, कराने वालों को आशीर्वाद, और युवा पीढ़ी जो भाग लेके कर रही है उनको मेरा खूब खूब आशीर्वाद। ऐसे ही हम आगे बढ़े, भाईचारा रखें और हमारा रगत एक होकर मानव जीवन का कल्याण करे, यही बोम सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल इन वक्त मैं ओल्ड कैंपेसर जसवंत हॉल के अंदर हूँ और आपने बता दूं कि आज 11वीं पुण्यतिथि है भूमसर राठौड़ री, जो कि जय नारायण व्यास रे इतिहास की अगर बात करूँ तो इनमें सबसे कम समय रहा और सबसे कम उम्र रहा छात्र संघ अध्यक्ष रहा है, और उन कार्यकाल के अंदर भी वे अपना ऐसा वर्चस्व निभाए कि आज भी हर युवा जब भी राजनीति की बात आवेला इन ओल्ड कैंपस रे अंदर तो सबसे पहले नाम भूमसर राठौड़ रो आयला। फिलहाल आज बड़ा भाई है हमारे साथ में विक्रम सिंह जी राठौड़, यहाँ बात करें आपने बचपन से आप साथ में रहा हो और आज 11वीं पुण्यतिथि है, आज इन उपलक्ष्य में आज कुछ बताना चाहो आप? 11 रक्तदान शिविर करवा दिया टोटल, 11 उन ज्यादा ही है, 5,000 यूनिट आ चुकी है टोटल ब्लड। बचपन से अब तक आप कहीं ऐसा समय है, कुछ पल है, त्योहार है, दीपावली भी आ रही है, तो कोई किस्सा आपने याद है अपना बचपन का साथ में निभाया? उनकी याद तो हर वक्त सताती है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ कोई बात आपने कुछ याद हो, कुछ खास पल आपने कभी कुछ बताया होता होला कि मैं कुछ यूं करूँ ना, कुछ अपना सपना, कुछ अपनी बात आई गो नहीं जो भाई हुआ अगर उन्हें हर चीज बताया करें आप? वो जो राजनीति का बोलते थे हमेशा, वो जिन्होंने जो चीज उन्होंने बोली वो उन्होंने की है राजनीति के अंदर, जितना उनसे हुआ उनके कार्यकाल में उन्होंने अच्छे से किया है। आज अगर भूमसा होता तो आज आपने कही लगे कि आज जो जयनारायण व्यास जो है जिन तरह की समस्या चल रही है आजकल वह सब मतलब काफी हद तक सही हो चुकी होती और बहुत सारी चीजें ऐसी है, तो और भी कुछ बताना चाहो आप? कुछ चीजें हैं वो सही हो जाती, अभी तक नहीं हुई है, जो कुछ काम बाकी है वो नहीं हुआ, वो हो जाते अभी तक। शिकायत रहला आपने भगवान से? हाँ रहेगी। आप भूमसर के बारे में कुछ बोलना चाहो तो कहीं बोलो ना। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो पूज्य अमर छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई भूम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर इस ओल्ड कैंपस जयनारायण विश्वविद्यालय के जसवंत हॉल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर मुझे लगता है कि वो छात्र संघ अध्यक्ष बने तब से लेके अब तक युवाओं के दिलों में आज तक राज करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने 36 कौम के भाई और बहनों को साथ में लेकर गाँव में दूर दराज से गाँव से भाई बहन यहाँ पर उनके लिए ऐसे कार्य किए कि आज हर एक 36 कौम के भाई बहन पूज्य भूम सिंह जी को याद करते हैं और हम भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर विश्वविद्यालय में 36 कौम के भाई बहनों के लिए हमेशा कार्य करते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा उच्च कोटि का व्यक्तित्व था कि 36 कौम के लोग के प्रति समर्पण की भावना हमेशा रहती थी कि मेरे 36 कौम के गांव से जो, क्योंकि भूम सिंह जी राठौड़ भी गाँव से ही आते थे, खारा गाँव पड़ता है उनका फलोदी के अंदर, इसलिए उन्हें भली भांति वो जानते थे कि मेरी तरह गाँव से आने वाले भाई परेशान नहीं हो, किसी तरह की उनको समस्या नहीं हो, उनके लिए हमेशा 365 दिन 24 घंटे उनके युवा भाइयों बहनों के साथ में हमेशा मजबूती के साथ में खड़े रहते थे। आज भी उनके साथ में रहने वाले हमेशा मेरे बड़े भाई सीनियर याद करते हैं कि उनका व्यक्तित्व वास्तव में उच्च कोटि का था, सबको साथ में लेकर किसी की जाति धर्म ना देखते हुए सबको 36 कौम के भाई बहनों को साथ में लेकर कैसे चला जा सकता है वो पूज्य भूम सिंह जी से सीखा जा सकता है। आप भी जो भूमसर राठौड़ जिन हिसाब से बताया था कि इन तरह से छात्र राजनीति करनी चाहिए और हिसाब से उन्हीं आदर्श माना अपना आदर्श मानते हो आप आगे बढ़ रहे हो? निश्चित तौर पर बिल्कुल, हम पूज्य बड़े भाई भूम सिंह जी राठौड़ के पद चिन्हों पर चलने का एक प्रयत्न कर रहे हैं, कितना चल पाते वो नहीं लेकिन एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहे हैं कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर मेरे 36 कौम के भाई बहनों के लिए विश्वविद्यालय के अंदर कुछ करें। बोलिए गाना दरबार की। आज ये विशाल रक्तदान शिविर मीना पधारे वड़ा सब साथिया रे वो खूब खूब स्वागत करा, भूम सिंह सेवा केंद्र की तरफ मीना खूब खूब स्वागत करा। मारो निवेदन सब साथिया मीना, आज आप रक्तदान जरूर करवाए, हर साल की तरह ये विशाल रक्तदान शिविर ये बार जो आयोजित करियो है वो समस्त आयोजक ने खूब खूब बधाई दी। भूमसा हमारा बैचमेट था माना सौभाग्य मिले उमर भेड़ो रेड रो और उमर आशीर्वाद री बदौलत पश्चिमी राजस्थान री संगा मोटी यूनिवर्सिटी रो निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बढ़ रो माना मौको मिले हूँ ये अवसर है माथा
बोम साहब श्रद्धांजलि अर्पित करा, श्रद्धा सुमन अर्पित करा। साथ ही साथ मारो आप सब युवा साथियों निवेदन है कि हमारे बताए उड़े रास्ता ने माता अपन सभा को बैठू आज भी भवनसारो अपन सभा रे माता आशीर्वाद है। विश्वविद्यालय रे मीना आप सभा मीना महासभा रो विशेष जुड़ाव रही हूं। आज ये मंच रे माध्यम मीना हमारे तमाम जसवंत हॉस्टल रा साथियों रो धन्यवाद दई हूँ। तीन नंबर हॉस्टल रा जितना भी मारा भाई बधारियोड़ा है वहां सभा रो धन्यवाद दिया। हनुमंत हॉस्टल और सरदार रा तमाम जितना भी मारा भाई है वहां सभा रो धन्यवाद दिया कि आप सभा ये तो भव्य आयोजन करायो है। साथ ही साथ छत्तीस कौम रा वो सब भाई जिकारो हर स्थिति परिस्थिति में ना मारे भेड़ो गंदम गंदो मिला आप सब खड़ा रहा हुआ समारोह धन्यवाद दिया। आज ये मंच रे माध्यम में ना हमारी जो कर्म स्थली है वो होल ना आज तमाम जितना भी आज बड़ा भाई ये बनायोड़ा है वहां सभा ना भी धन्यवाद दिया कि आज आप सभा मिले इतो भव्य आयोजन करियो है। मारो निवेदन की यहाँ पे ये व्यवस्था ना बढ़ाए रहा और आप सब ये जितना भी भाई पधारोड़ा है फोटो हम नहीं रहे हमें रक्तदान करनू है अपना ब्लड डोनेट करनू है तो पुनः आप सवाना और पूरी टीम ना खूब खूब धन्यवाद दिया। और साथ ही साथ आप सब साथी हम पाछी अपील मारो निवेदन कि आप रक्तदान करें आपने रक्त री एक एक बूंद के जीवन बचा सके और हर साल भी बात ये बार भी है जो रक्तदान आप कर रहे हो पूरे साल तक मेरा याद है जदे कदे भी जरूरत रही गसा पीपाड़ आज वो ये कार्यक्रम रे मीना आज सम्मिल को नहीं हो पाया पर जजत केत भी जोधपुर रे मीना ब्लड री जरूरत रही है वो सब और ये पूरी टीम हमेशा खड़ी मिली तो आज आप रक्तदान करे कोई जरूरतमंद ना जीवन मिल से वो पुनः भारत सप्ताह ना विराम देते हुए आप सभा में निवेदन करी कि आप रक्तदान जरूर करें। हमारे छात्र संघ अध्यक्ष भोम सिंह की स्मृति में और 11वीं बार हो रहे रक्तदान शिविर में आप सभी पधारे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। एक परंपरा जो पिछले 11 साल से लगातार चल रही है उनके देवलोक होने के बाद हम सबसे विदा होने के बाद 11 सालों से लगातार रक्तदान शिविर किए जा रहे हैं और एक परंपरा को आप सभी लोग अपने साथ और सहयोग से निभा पा रहे हैं इसलिए परंपरा बनी। आप सभी युवा साथियों से विशेष तौर पर यह खास निवेदन है दरख्वास्त है कि पुण्य के काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें पधारें और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें और विशेष इमरजेंसी की स्थिति में हम सभी को जब रक्त की जरूरत होती है हम इधर उधर भागते हैं तो हमारा आज का दिया गया रक्त ऐसे बहुत से परिवारों के काम आ सकता है उनके जीवन को बचाने के काम आ सकता है। भूमसा खारा बहुत ब्रिटोभाषी मुझे गौरवशाली हूँ कि मैं उनके बैच का विद्यार्थी रहा हूँ हम लोग BLLB में साथ पढ़े और अध्यक्ष बनने के कुछ महीनों बाद वो देवलोक हो गए। आज वो शारीरिक रूप से भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है पर भावनात्मक रूप से उनकी स्मृतियां सदैव हमारे हृदय में है और जिस स्थायी रूप से बनी हुई है इसलिए आज के इस रक्तदान शिविर पर आप सभी युवा साथियों से दरख्वास्त है निवेदन है कि इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और रक्तदान करें। भूमसर राठौड़ री पुण्यतिथि है इन उपलक्ष्य में अठे संतोष कंवर जी आई हुई है जो कि ओशारी सरपंच है यू बात करा आज आप अटा आए हो भूमसर राठौड़ जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रहा हुआ है बहुत कम समय में रहा लेकिन जितना समय में था तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया था और आगे भी रहे होता तो शायद जेनारायण व्यास बहुत उद्धार हो जाता हो वाणे बारे में आप कुछ बताना चाहो। आज मैं आज आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो जिन्होंने मुझे ओशिया से यहाँ पे आमंत्रित किया है और मैं सभी छात्रों से ये निवेदन करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कीजिए। ये भूमसा की इच्छा थी कि अगर हम किसी मानव को अगर बचा सकते हैं तो खाली रक्त से ही बचा सकते हैं इसलिए मैं ये सभी से आग्रह करती हूँ कि आप जितनी भीड़ आप ये फोटो क्लिक करने में करते हैं उतना ही अपना ब्लड डोनेट करिए। आज आप हटाया हो तो भूमसर राठौड़ ने आप भी देखा हो करीब से कुछ बता सको आज वाने बारे में। बिल्कुल वो बहुत अच्छे थे और हमारे पारिवारिक रिलेशनशिप थे आनंद परिवार से और आनंद भाई साहब उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। जब भूम सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे तब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने की सपोर्ट बहुत जरूरी होगा तो आनंद भाई साहब ने खुल्लाम उनको सपोर्ट किया था और भूम सिंह खारा को चुनाव जिताया था। और मैं मीडिया आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव जीते तो फर्स्ट जो गाड़ी पेजोर गिफ्ट की थी वो आनंद भाई साहब ने की थी तो हमारे बहुत अच्छे तालुकात है। आज भी भूम सिंह जी खारा के परिवार से हमारे बहुत अच्छे तालुकात है और जितने यहाँ पे भाई और बहन पधारे
और सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। यही आनंद भाई साहब की और भोम सिंह जी खरा की सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान हो, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, रक्तदान महादान। धन्यवाद। उस समय जो युवा थे उनके साथ में चलने वाले युवा थे वो हमेशा कहते थे कि बड़े भाई भोम सिंह जी राठौर हमेशा सुख में दुख में छत्तीसगढ़ के भाई और बहनों को साथ में लेकर चलने का कार्य करते थे। आज उन्हीं का ये प्यार और आशीर्वाद ही है कि आज राजस्थान के हजारों हजारों युवा भाई और बहन उनके रक्तदान शिविर पर उन्हें पुष्प अर्पित करके अपना रक्त देते हैं, क्योंकि किसी के द्वारा दी गई रक्त की बहुत किसी का जीवन बचा सकती है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में रक्त देकर पूज्य भोम सिंह जी को शशि श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मारवाड़, जय मारवाड़, जय मारवाड़।